दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जिला सरकारी बैंक का विड्रॉल फॉर्म कैसे भरेंगे, रुपए निकासी फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद आपको यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा होगा शाखा, यहाँ पर आपको अपनी शाखा का नाम फिल करना है, यानी आपकी बैंक जिस जगह पर हो उस जगह का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मेरी बैंक मिर्ज़ापुर में है तो मैं यहाँ पर मिर्ज़ापुर फिल कर देता हूँ। इसी तरह आपकी बैंक जहाँ कहीं भी हो उस जगह का आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। शाखा का नाम फिल करने के बाद अब आपको दूसरे नंबर पर दिनांक, यहाँ पर आपको डेट को फिल कर देना है। डेट डालने के बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा बचत खाता संख्या, यहाँ पर आपको अपने खाते का अकाउंट नंबर डाल देना है। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 संख्याओं को फिल किया है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। ठीक इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर कृपया मुझे अब यहाँ पर आप जितने भी रुपए निकालना चाहते हैं वो रुपए यहाँ पर भर देंगे। अब नीचे आपको यहाँ पर रुपए शब्दों में यहाँ पर आपको जितने भी रुपए निकाल रहे हैं उनको शब्दों में फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब यहाँ पर भी आपको रुपए फिल कर देने हैं जितने भी निकालना चाहते हो वो। अब यहाँ पर आपको हस्ताक्षर खाताधारक, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब नीचे आपको अपना नेम डाल देना है। नेम डालने के बाद अब आपको इसको पलट लेना है। अब आपको बैक साइड में यहाँ पर भी आपको 2 सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको ये बैंक में जमा कर देना है। इसी तरह आप जिला सरकारी बैंक विड्रॉल फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।